वेलकम टू नेचुरोपैथी नेचर क्योर्स। अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह उठकर आप क्या करते हैं तो आपका सबसे पहला जवाब होगा कि भाई ब्रश करते हैं। ब्रश किससे करते हैं? तो टूथपेस्ट से करते हैं। टूथपेस्ट बेसिकली क्या है? केमिकल का एक कॉम्बिनेशन है, एक तरह का। जैसे हम बर्तन धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए जो सर्फ का इस्तेमाल करते हैं, उसी का एक तरह का पेस्ट का फॉर्म है, जिससे हम अपने दांतों की सफाई करते हैं, जो कि हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया को दूर करता है। लेकिन हमारे माउथ में हेल्दी बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये डिफरेंशिएट नहीं करता है हेल्दी बैक्टीरिया में और बैड बैक्टीरिया में, और सारे ही बैक्टीरियाज को खत्म कर देते हैं। जो हमारी सेहत के लिए अच्छे वाले बैक्टीरिया है वो भी इससे खत्म हो जाते हैं। दूसरा जो है, जब हम टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश से टूथपेस्ट करते हैं, तो हम सिर्फ दांतों पे घिस रहे होते हैं, यानी कि दांतों की सफाई हो रही होती है, लेकिन गम्स की सफाई नहीं हो पाती है। तो एक तो हम केमिकल डाल रहे हैं, उसके बाद जो हमारी जड़ें हैं जिस पर दांत टिके हुए हैं, गम्स, वहां पर उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसको कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है, उसको कोई क्लीनिंग नहीं मिल रही है, जिसके नतीजे में क्या होता है, दांत मसूड़ों से खून आने लगता है, दांत हिलने लगते हैं और तमाम तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसका सलूशन क्या है? बहुत सिंपल सलूशन है, घर पर ही आपको करना है, और 3 हफ्ते के लिए सिर्फ मेरे कहने पर आप इसका इस्तेमाल कर लें। आप देखेंगे कि रिजल्ट देखते ही आप कमेंट करेंगे कि भाई बहुत बढ़िया नुस्खा था। टूथ पाउडर, दंत मंजन जिसको कहते हैं, ये हमें बना लेना है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है? उंगली पर लेकर गम्स पर ऐसे सर्कल में मसाज करनी है। पहले मैं आपको दंत मंजन बनाना सिखाता हूँ, सिंपल है एकदम, और फिर कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं बताऊंगा और इसके फायदे बताऊंगा आपको। तो इसके लिए क्या करना है, 50 ग्राम हमको ले लेना है पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल, मार्ट्स में हर जगह अवेलेबल है। तो 50 ग्राम पिंक सॉल्ट ले लेना है, रॉक सॉल्ट ले लेना है। पिंक सॉल्ट जो होता है, जो टाटर जमा होता है हमारे दांतों में, पीलापन आ जाता है, इसको दूर करने में बहुत लाभदायक होता है। इसमें ही 50 ग्राम ही लौंग का पाउडर मिला देना है। लौंग ले लें 50 ग्राम, उसको पीस कर पाउडर बना लें, फाइन पाउडर, और वो पाउडर इसमें अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। लौंग में एक कंपाउंड होता है यूजेनॉल, ये हमारे माउथ के लिए कंप्लीट केयर माउथ की करने के लिए बहुत लाभदायक होता है। आपने देखा होगा कि तमाम तरह के टूथपेस्ट में भी आजकल लौंग के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और डेंटिस्ट भी लौंग के तेल को काफी ज्यादा आजकल रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि यूजेनॉल का जो फायदा है वो अद्भुत है। तो 50 ग्राम हमें मिला देना है रॉक सॉल्ट में लौंग का पाउडर। इसके बाद इसमें 20 ग्राम हमें लगभग मिला देनी है हल्दी, टर्मरिक पाउडर, 20 ग्राम ही मिला देना है काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें 20 ग्राम मिला देना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दांतों को चमकदार बनाता है, वाइट रखता है। ये सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद बहुत थोड़े से पैसे में आपका 3-4 महीने के लिए अच्छी बड़ी बॉटल भर के आपका होममेड केमिकल फ्री टूथ पाउडर तैयार हो जाएगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? थोड़ा सा पाउडर आपको उंगली में हथेली पर ले लेना है। इस पाउडर में मस्टर्ड सीड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, वो थोड़ा सा मिला दें। जहां पर सरसों का तेल नहीं मिलता है वो नारियल का तेल भी मिला सकते हैं। उसके बाद उंगली से इसको लेकर गम्स पर अच्छी तरह से सर्कल सर्कल में पूरा चारों तरफ गम्स पर मसाज करनी है। मसाज करने के बाद 1-2 मिनट तक आप इसमें मसाज करें और थोड़ी देर इसको लगे रहने दें। फिर बाद में पानी से कुल्ला कर लें और एक ब्रश लेकर दांतों की सफाई कर लें। सिर्फ सिंपल ब्रश से, उसमें पेस्ट भी मिलाने की जरूरत नहीं। अगर हाँ आपको थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव करना है तो थोड़ा सा टूथ पाउडर आप ब्रश में भी लगाकर दांतों की भी सफाई उससे कर लें। आपकी अगर मसूड़ों से खून आता है 3 हफ्ते के अंदर बंद हो जाएगा। अगर आपके दांतों में जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा, बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके माउथ के बैड बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन गुड बैक्टीरिया माउथ के अंदर बने रहेंगे, जिनकी जरूरत है हमारे माउथ को वो बने रहेंगे। अब आती है बात कि अगर आपके डॉक्टर ने ये कहा है कि आपका दांत हिल रहा है और ये दांत आपको निकालना पड़ेगा, एक प्रयोग मैं बता रहा हूं, इसी टूथ पाउडर में आपको 20 ग्राम माजू फल का पाउडर, आयुर्वेदिक स्टोर पर जाए आप, मायफल या माजू फल कहते हैं इसको, माजू फल का पाउडर एक 20 ग्राम, 20 से 30 ग्राम तक भी आप मिला सकते हैं, इसी टूथ पाउडर में आपको मिला देना है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि आपका जो दांत हिल रहा था
वो दांत वापस मसूड़ा जकड़ लेगा। और वैसे भी जब आप इस टूथ पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके गम्स जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि जब हम उंगली से इससे मसाज करते हैं तो क्या होता है, गम्स में ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और जो ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होने से क्या होता है, गम्स के जो टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, उनको न्यूट्रिशन ज्यादा मिलता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड के थ्रू ही सारी चीजें मिलती है, न्यूट्रिशन भी ब्लड के थ्रू मिलता है, ऑक्सीजन भी ब्लड के थ्रू मिलती है। जब ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमारे गम्स के टिश्यूज को मिलने लगती है तो गम्स हेल्दी हो जाते हैं, गम्स हेल्दी हो जाते हैं तो हमारे दांत ऑटोमेटिकली हेल्दी होने लगते हैं। ऑयल पुलिंग का बहुत महत्व है, ऑयल पुलिंग कैसे करनी है और इसके क्या क्या फायदे हैं ये मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9082130828 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तब तक के लिए फॉलो द नेचर एंड नेचर विल हील यू। थैंक यू।